संदीप ने ईद वाले दिन चारों यारों का नाम नहीं लिया खुतबे च इमाम रब्बानी का कलम जड़ा अपने आप तो बाहर हो ना तुसी इस मॉर्निंग अजे तक कढ़िया क्यों नहीं मस्जिद चो जब ईद वाले दिन अबू बकर उमर उस्मान वली का नाम नहीं लिया खुतबे च फरमाया अगर ये खुतबे का हेलो फ्रेंड्स आदाब नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जय श्री कृष्णा वेलकम आई एम मनजोत आई एम हरमन वेलकम बैक टू आवर चैनल हरमनजोत रिएक्शन तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी अगर एक नेकी का बदला ये है जो जुमा मुबारक बयान एंड मैं बहुत एक्साइटेड ये बयान सुनने के लिए रिज़वी जी का मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यस एंड रिज़वी जी की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है एंड देखते हैं बाबा जी क्या बोलते हैं तो चलिए आप भी देखिए हम भी देखते हैं लेट्स स्टार्ट इतनी कि खदीब ने ईद वाले दिन चारों यारों का नाम नहीं लिया खुतबे च इमाम रब्बानी का कलम जड़ा अपने आप तो बाहर हो वरना तुसी इस मौजी नु अजे तक कढ़िया क्यों नहीं मस्जिद चो जब ईद वाले दिन अबू बकर उमर उस्मान वली का नाम नहीं लिया खुतबे च फरमाया अगर कि ये खुतबे का जुज नहीं है कि इसके बगैर खुतबा हो जाता है लेकिन उसको पता नहीं है कि अहले सुन्नत व जमात की ये निशानी है चारों यारों का नाम लेना तो बात हम तो हमारे पास तो यही है इसके अलावा रंजीत सिंह की जिसके पास किताबें हैं वो पढ़े क्यों जी वो पढ़े हमें तो सिर्फ इसके बाद राम राम की किताबें हैं यही तो बात थी मुझे दल किसानी जब सब कुछ चेक करने लगा तो मिजल साहब भी मैदान में आ गए राजा अंगीर बंदे ने पुत्र पढ़ लिया मुझे अंदर कर दिया फरमाया मुझे तो जाने के लिए तैयार है उन्हें किले का यार भेजा तो सारे डाकू चोर सन जिन्होंने पता ही कुछ नहीं थी उन्हें कहते भेजो डाकू मार देंगे बापू ही मर जाएगा साड़ी जान ही छुट जाएगी जब मुजद्दद साहब का पहला दिन आया अजान दी ना जब अल्लाह अकबर वो मुजद्दद साहब की जबान में जो फिर अल्लाह अकबर निकले होना ना हाँ तो वो तो मुजद्दद साहब ने फिर और तो फिर दरो दीवार भी बोले होने जना तो आज जाया हो जब अजान दी डाकू चोर कहने लगे हजूर ये किनू नहीं सुना रहे हो इतने तुहाड़े मुरीद कोई नहीं ऐसे तुहाड़े पिछे किसी नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं असीं तो डके तो सारे फरमाओ मैं जानता हूँ मैंने किस लिए अजान दी और सारे चोर डकैत बाद में पीछे खड़े हो गए सर हाँ तो सारे जनाब कमाल के तक पहुँचे मुजद्दद साहब ने एक निगाह पाई पर्दों में छुपा हो तो चश्मे बीना देख ले समझदारी बात शम्मा कुश्ता को जला सकती है मौज नफस इनकी इलाही क्या छुपा होता है आले दिल के सीनों में लोग बातें करते हो उनके खिलाफ मुजद्दद साहब के सारे डकैत चोर मुरीद हो गए ओहो पूरा किला गवा लिया एक जनाब खानकाह बन गए अजाना हो रही है मुजद्दद साहब मुराकबा फरमा रहे नाल पीछे जनाब वो किथे ना किथे ते यार तवज्जो ते जादूगर सईद जान मौलाना जन्नत वेख लवन ते हुजूर के गुलामों नु भी ते रब ने ताकत दीती ना मुजद्दद साहब ने लिखा भाई एक एक नेकी दी वजह तो असहाब काफ इस मकाम ते पहुंचे कि अपने दीन बचाण दी खातिर उन्होंने अपना वतन छोड़िया एक नेकी राम ने लिखा असहाबे काफ एक नेकी दी वजह तो इस मकाम ते जा पहुंचे ते यार जे एक नेकी दी वजह तो असहाबे काफ इस मकाम ते चले जान ते जे हुजूर दे गुलाम जी करन कई नेकियां ते हुजूर दी गुलामी तो वड्डी ते नेकी भी कोई नहीं जे असहाबे काफ एक नेकी दी वजह तो असहाबे काफ बन जान ते अल्लाह फरमाया ये हमारी निशानियों में से निशानियां हैं ऐ तो पता चला हो जाता अल्लाह ताला फरमाता है कि हम खुद उनके पहलू बदलते हैं कभी दाएं कभी बाएं माशाल्लाह ए जमा मुतकल्लिम का सीगा है कल्लब युकल्लिम तकलीब हां फरमाया मुकल्लिब हम बातल यमीन है व कल्ब बासित जरा आयत के रसीद ना उन्हें तो कुत्ता तो जानू हो के बैठे हो जे बंदा एक नेकी करे ना इस मकाम पे चला जाना जिन्हें हुजूर नाल वफा की थे गल्ला करते हो सहाबा दे बारे जिन्हें हुजूर दी खातिर सब ते सब लड़ाए
सिद्दीक अकबर ने एक सांप नहीं लड़ा खारिज जेड़ा एक नेकी मौलाना की थी वो किथे जा पहुंचे हां जी वतर शम्स आयदा तला तजावर अन काफिल जात अल यमीन फायदा गरब तकरिदुन जात अल शिमाल मेरे हबीब तुसी देखया नहीं मंजर जब सूरज तुलू होना तो थोड़ा जे एन दाएं तरफ हो जांदा ताकि मेरी धूप उनां नूं ना लगे घर विच ते जदो गुरूब होण लगना ते बायां पहलू इंज कर लैंदा ते यार जिन्हां एक नेकी कीती होवे उनां दा इह मकाम है ते जिन्हां मुहम्मद अरबी दी खातर कई सप लड़ाए होवन ते सप लड़े होवन इह ते गारां विच चाल छुपे ना ते जिन्हां गारां विच हुज़ूर दा सर अपना गोद विच रख के ते कई सप लड़ाए होवन ते लम यतहरक मखाफता यम तबिया रसूलुल्लाह एक बार भी इंज ना कीती होवे कहीं हुज़ूर की नींद में खलल ना आ जाए मजलिस में एक जो लम्हा था ना वो बंदे को कहां से कहां पहुंचा देता आपने फरमाया वैसे करनी खैर और ताबीन होने के बावजूद ताबीन में से सबसे अफसल जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की फरमाया वो वाशी बिन हरब के पहले मकाम को छू भी नहीं सकता सिर्फ एक बारी हुजूर ने चेहरा अनवर देखा हजरत वाशी बिन हरब कबूल हो गया हुजूर फरमा माफी है अंदर मेरे सामने नहीं आना फिर दो साल पीछे बैठे रहे आज जब हुजूर तशरीफ लाते तो पीछे छुप कर बैठ जाते कि हुजूर के सामने नहीं जाना मना चुकी है लेकिन मस्जिद दरार गिराने के लिए मेरा ईमान है कहना विजदान भाई ये लोग के पीछे बैठे होने जब हुजूर ने भेजा तो हुजूर ने इशारा की तोड़े इन्हें भी लाल लाए ये भी मस्जिद दरार गिराने के मुद्दे हैं इन्हें भी हुजूर ने फरमाया ले जाओ इन्हें तुम आया ना दर ते और क्यों मत नसीबा ये इन्हें एक बार हुजूर का चेहरा अनवर देखा एक बार देखा मुजद्दद साहब की लिखा मैं तो गल नहीं कर रहा था मुजद्दद साहब की थी बड़ी तकलीफ होती लोगों ने ना गल्ला दी बड़ी तकलीफ होती आपने फरमाया वो खैर ताबीन होने के बावजूद आपने फरमाया कि वाशी बिन हरब जिन्होंने सिर्फ एक बार रसूलुल्लाह की ज़ियारत की और वैसे करनी खैर ताबीन होने के बावजूद वाशी बिन हरब के पहले मकाम को छू भी ना हूँ तो हम दस ही मकाम केड़े जी वो वाशी बिन हरब जो है उनके पहले मकाम को छू भी नहीं सकते ये साफी है और ये वाशी बिन हरब है जिन्होंने सिर्फ एक बार देखा तो जो सिद्दीक अकबर ने हुजूर ने एक दिन पूछे आताज करो यौम यौमिन फरमाओ सिद्दीक को दिन वाला दिन तो आनु याद है इन्होंने फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया ना वीर हमजा को भी शहीद किया सारे मामला लेकिन सिद्दीक कौन है एक दिन हुजूर पूछे सिद्दीक का उस दिन वाला दिन याद है अर्ज की थी हुजूर याद है ये भी याद है कि साजद और आपने पूछा सी अलस्तो बिरब्बिकुम सारी दुनिया नु जमा करके रूह नु पर मैं तुम्हारा रब नहीं हुजूर ने पूछा सिद्दीक को दिन याद है अर्ज की थी हुजूर दिन भी याद है और एक गल भी याद है सारी रूहें खामोश सन सबसे पहले आपकी रूह मुबारक ने फरमाता जी हां तू हमारा रब है जेडे उठो लै के इथे तक आमन नन्नास पर मौलाए वाह एक बार कहना आमन नन्नास पर मौला है माँ आं कलीमे अव्वले सीना है माँ आमन इसमें तफसील है नहीं आमन नन्नास पर मौला है माँ आं कलीमे अव्वले सीना है माँ फरमा ए ते साढ़े दूर पहाड़ दे पहले कलीम इस दिकाली कोई नहीं पाकिस्तान है किसे दे खिलाफ को गल किसे इदारे दे खिलाफ को गल हो जाए किसे हुकमरान वजीर के खिलाफ गल हो जाए जी आपको पता नहीं है ये बड़े हसास मसाइल हैं तो मैं कहा आपको पता नहीं है कि सिद्दीक अकबर हजरत उमर तो उस्मान अली ये कितने हसास हैं ये ना दे बारे गल हो गई फिर गल तो रसूलुल्लाह दे बारे हो गई फिर हुजूर ने जो लोग तैयार किए थे बकौल गल तो मुक जानी फिर कायनात यस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो लगी एंड बहुत ज़्यादा अच्छा समझाया एंड फ्रेंड्स आप कमेंट में हमें बताइए कि हम कौन से बयान पर लेकर आए जिसके ज़्यादा वोट आएंगे हम उसी पर रिएक्शन देंगे एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वीडियो जुमा मुबारक बयान था रिजवी जी का एंड हमने बड़े ध्यान से सुना एंड यस उन्होंने कहानी भी बताई है बहुत ज़्यादा अच्छी थी एंड
एंड ओवरऑल हम दोनों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड गाइस ज़रूर बताइए हमें कमेंट में, आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं एंड जिसकी ज़्यादा वोट आएंगी हम फिर उसके ऊपर करेंगे। एंड अगर कोई आपके मन पसंदीदा कुछ आपका सीरीज़ होगा या फिर कुछ सॉन्ग ट्रेलर कुछ भी होगा आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हम ज़रूर आपके लिए लेकर आएंगे वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एंड जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका थैंक यू। एंड जिन्होंने अब तक नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड साथ ही में हमारे चैनल के बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्दी से आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, बाय।